अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद मुगल और हम पढ़ रहे हैं सी शार्प। आज हमारा 23वां ट्यूटोरियल है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम आने वाले ट्यूटोरियल में कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। कितना हमारा आज लेसन? 23.cs के नाम से। तो इसके अंदर हम ये करते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू का हम यूज़र से एंड लिखते हैं। चलो फॉर एंड आई इज़ इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ पे हम अपनी एक कंडीशन, टेस्टिंग कंडीशन लगाते हैं। एफ आई इज इक्वल्स 6 है, तो क्या करो, तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो यहाँ हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने क्या करना है आई को, ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू आउटपुट करवानी है। तो हम आते हैं, एग्जांपल हमारी 23 है, कंपाइल किया, ये देखें कितने तक गिनती हमारी प्रिंट हुई है, 0 0 1 2 3 4 5 तक हुई है ना। ठीक है, इसमें 0 इसने इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि देखें, इसने जो है ना, नॉर्मल हमने ऊपर कंडीशन क्या दी थी, हमने 10 की दी थी, लेकिन यहाँ पे 10 तक उसको गिनती प्रिंट करनी चाहिए, लेकिन तो उसने 10 तक क्यों नहीं की कि बीच में हमने यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल कर दिया। हमने कहा कि अगर जो है ना बीच में हमारी ये कंडीशन आई इज़ इक्वल टू 6 जब हो जाती है तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दो, तो इस वजह से इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर फर्ज करो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इस कंडीशन को हम कंटिन्यू कर देते हैं, हम यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया, हमने कहा कि अगर अगर हमारी आई 6 के बराबर भी है तो भी कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो भी कंटिन्यू कर ही दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, तो ये देखें इसने गिनती कितनी प्रिंट कर दी, 1 से लेकर 9 तक कर दी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इक्वल टू अगर लगा दें तो हमें पूरी 10 तक गिनती मिलनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी 10 तक गिनती प्रिंट कर दी इसने। तो इस तरह यहाँ पे मैंने इसको सिंपल रखा है, जस्ट यानी कि आपको मैसेज का कन्वे करने के लिए किस तरह ब्रेक और कंटिन्यू काम करते हैं। तो आप जो है ना इसका मुख्तलिफ तरह से आप इस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होगा, इसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सिंपल रखा है, ब्रेक और कंटिन्यू का। इन ब्रेक जब हम लगाएंगे तो एकदम से प्रोग्राम को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, इस लूप को हम एकदम से इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट है तो इसको जारी रखा जाएगा, ये ऑल दो हमारी कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो जाएगी तो भी इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो आने वाले ट्यूटोरियल में जो है ना मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में अपने, यानी कि हमारा जो लास्ट सेक्शन था, हमने शुरू में एक ये चीज़ बनाई थी, हमने कहा कि हम इसको डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हमारी है यहाँ तक तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। हम फाइनली हम लोग है ना इसमें जंप्स को जो है ना नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जंप्स को गो टू स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आने वाले ट्यूटोरियल तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।